PGDCA सेकेंड सेम टैली सब्जेक्ट में आज हम सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टैली, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का मीन्स होता है कुछ इन्वेंट करना, जो कि मुझे भी पता है और आपको भी पता है। इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पर अगर आप टैली में देखेंगे तो इन्वेंट्री का मतलब होता है, इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पर है कच्चे माल से, कच्चे माल या बिक्री के लिए उपलब्ध माल या फिर बिक्री के लिए तैयार हो रहे माल से है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इन्वेंट्री किसी भी कंपनी द्वारा इन्वेंट किए गए गए जो आइटम पर अमाउंट लगाई जाती है, उसके द्वारा जो माल पे तैयार किए गए माल पे या कच्चे माल को तैयार करने पर जो खर्च किया जाता है उसे इन्वेंट्री बोला जाता है, जिसको वो वसूल करती है उस माल को बेचकर। ठीक है, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में इन्वेंट्री को एसेट्स के साइड दिखाया जाता है, यानी कि बैलेंस शीट के साइड दिखाया जाता है। बैलेंस शीट में दो साइड्स होते हैं, एक साइड इन्वेंट्री और सॉरी एक साइड लाइब्रेरी और एक साइड होता है एसेट्स। ठीक है, एक साइड लाइब्रेरीज, एक साइड होता है एसेट्स। तो जो एसेट्स में करंट एसेट्स का साइड होता है उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक के नाम में, जो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपको जो दिखाई देता है वो इन्वेंट्री होता है। अब इन्वेंट्री होता क्या है उसको समझ लीजिए। इन्वेंट्री का मतलब फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी के द्वारा एक साइकिल को बनाकर, ठीक है, साइकिल के पार्ट्स यानी कच्चे माल को बना जोड़कर असेंबल करके उसे मार्केट में बेचा जाता है, उसे बोला जाता है इन्वेंट्री। अब जो कच्चे माल पे कंपनी खर्चा कर रही है वो एक उसके द्वारा लगाई गई अमाउंट है, लेकिन उसको जब जोड़कर या असेंबल कर वो उसे मार्केट में बेचेगी तो वो इन्वेंट्री से पैसा यानी प्रॉफिट कमाएगी। इसलिए इसे एसेट्स में करंट एसेट्स की साइड देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री को भी एक करंट एसेट्स का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि जो इन्वेंट्री होती है कच्चा माल होता है वो पैसे के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो इन्वेंट्री के बारे में हम और आगे जानेंगे। तो इन्वेंट्री एक कंपनी के द्वारा किया गया खर्च होती है, यानी कि इन्वेंट्री के कंपनी के द्वारा जो भी माल बनाने पर जो खर्च किया जाता है उनके द्वारा, तो उसे इन्वेंट्री कहा जाता है। इसे हम रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी उत्पाद को खरीद कर ही बेचे, वो बनाकर भी बेच सकती है। ठीक है, बनाकर बेचेगी तो उसे वर्क इन प्रोसेस भी करना पड़ेगा, यानी कच्चे माल को बनाने के बाद उसे उस पर एक वर्क करना पड़ेगा, उस पर एक प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसके बाद वो उसको बेच सकते हैं। कब? जब वो फिनिश गुड्स के रूप में तैयार हो जाएगा। इन्वेंट्री को हम गुड्स भी बोल सकते हैं, यानी कि कच्चा माल। ठीक है, तो इन्वेंट्री के द्वारा आप किसी कंपनी से प्रॉफिट, जो कि बेसिकली बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो खरीदने और बेचने पर रखा हुआ है। तो इन्वेंट्री के द्वारा आप कच्चे माल को बनाते हो या तो खरीदते हो और उस पर पैसा लगाकर उसे सेल कर देते हो। ठीक है, सेल करते हो तो सेल आप उसे प्रॉफिट के साथ करोगे। अगर आप प्रॉफिट के साथ या फिर पैसा बनाकर प्रॉफिट के साथ सेल करोगे तो ही वो एक स्टॉक कहलाता है या इन्वेंट्री कहलाता है। ठीक है, अगर आप उसे प्रॉफिट के साथ नहीं बेचते तो वो आपके लिए नुकसान होगा। अब बेचेंगे किसे? तो बेचेंगे कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर के द्वारा जो आइटम कंपनी के नियमित कार्यों में जो खरीदा जाता है, उसके द्वारा जो प्रोडक्ट खरीदा जाता है वो कंज्यूमर के द्वारा खरीदा जाता है। ठीक है, साइकिल इन्वेंट्री के लिए एक नया निर्मित माल या साइकिल अंतिम उत्पाद है। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमने एक कच्चा माल लिया, उसको बना, उसको प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस में डाला, वर्क इन प्रोसेस में डालकर उसे तैयार किया, उसके बाद जब वो फिनिश गुड्स के रूप में हमारे पास तैयार हुआ तो तैयार करके हमें उसे सेल्स डिपार्टमेंट को दे दिया, जिसके द्वारा वो उसे माल को बेच सके और कंज्यूमर के द्वारा उस माल को खरीदा जाएगा और उस माल के बदले में जो हमें पैसे मिलेंगे वो इन्वेंट्री को कैश में बदल देंगे। इसलिए हमें ये एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक में दिखाई देता है जो माल हमारे पास रखा हुआ, और जो माल बिक जाता है वो हमारे करंट एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि हमें एक इन्वेंट्री तैयार करने के लिए किन किन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है टैली में हमें इन्वेंट करने के लिए। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे उसे इन्वेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं टैली ओपन कर ले रहा हूँ, और टैली ओपन करने के बाद यहाँ आपको मिलेगा इन्वेंट्री इन्फो।
तो इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी, स्टॉक ग्रुप, ठीक है, पहला मिलेगा आपको स्टॉक ग्रुप, दूसरा मिलेगा आपको स्टॉक आइटम, तीसरा मिलेगा यूनिट ऑफ मेजर। लेकिन सबसे पहले आपको बनाना है स्टॉक ग्रुप, और सेकंड नंबर पे बनाना है आपको यूनिट ऑफ मेजर, और थर्ड नंबर पे बनाना है आपको स्टॉक आइटम। अब उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है या क्या राज है, तो वो आपको आगे समझ में आ जाएगा कि हम क्यों पहले स्टॉक आइटम नहीं बना रहे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टॉक ग्रुप बनाता हूँ, बता देता हूँ। तो स्टॉक ग्रुप से हमारा आशय यह है कि स्टॉक ग्रुप क्या करता है, आइटम्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो हमने उनका एक ग्रुप बना दिया इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ठीक है, जितने भी फूड वाले आइटम हैं, हमने उनका एक ग्रुप बना दिया फूड आइटम, ठीक है। लेकिन मैं जैसे यहाँ पर मेरी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो मैं मोबाइल शॉप में काम करता हूँ, या फिर मोबाइल शॉप पे अपना समझ लीजिए कि माल बेचता हूँ या खरीदता हूँ, ये मेरी मोबाइल की शॉप है, तो मैं यहाँ पर एक ग्रुप बना लेता हूँ मोबाइल नाम से, ठीक है, और इसका अंडर रख देता हूँ प्राइमरी, और यहाँ से कर लिया इसको मैंने एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद मैंने दूसरा ग्रुप बना लिया फूड आइटम के नाम से, फूड आइटम्स, और यहाँ पर भी मैंने कर लिया एक्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पर बैक आ गया, ठीक है। बैक आने के बाद मैंने स्टॉक आइटम नहीं बनाया, मैंने अब बनाई यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर। तो यूनिट ऑफ मेजर में जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा यूनिट ऑफ मेजर। तो यहाँ पर जो टाइप रहेगा वो सिंपल रहेगा, उसके बाद सिंबल, यानी कि यूनिट ऑफ मेजर का मतलब होता है किसी स्टॉक को मापना। तो आप स्टॉक को कैसे माप सकते हो, जैसे मोबाइल आप खरीदने जाओगे तो क्या बोलोगे कि मोबाइल, एक मोबाइल दे दो, एक सेट मोबाइल दे दो, एक पीस मोबाइल दे दो, ऐसा तो नहीं बोलोगे कि 1 kg मोबाइल दे दो। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सेट, ठीक है। यदि आपको फॉर्मल नेम पता है तो आप इसका पूरा नाम लिख सकते हैं, यदि आपको नहीं पता तो छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, एक्सेप्ट। दूसरा मैंने फूड आइटम बनाया, तो मैं इसके लिए एक बना ले रहा हूँ केजी। तो केजी का मतलब होता है किलोग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे मैं किलोग्राम बना ले रहा हूँ और यहाँ पे कर दे रहा हूँ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम थर्ड बनाएंगे स्टॉक आइटम। अब मैं आपको बताता हूँ स्टॉक आइटम हमने पहले क्यों नहीं बनाया। अब पहले स्टॉक आइटम अगर यदि हम बनाते तो हमारे पास यूनिट ऑफ मेजर नहीं होती इसलिए, और यूनिट ऑफ मेजर का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यूनिट ऑफ मेजर की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मोबाइल बना लिया, मैंने यहाँ पे लिखा Realme 5, और यहाँ पर आपको जो भी डिटेल देनी है वो आप देंगे नेम में, जैसे कि उसका रैम अलग हो, उसका कलर वेरिएंट अलग हो, जो भी डिटेल देनी है आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद जो हमने ग्रुप बनाए थे, यानी स्टॉक ग्रुप बनाए थे, तो मैं यहाँ इसको रख ले रहा हूँ मोबाइल में, तो अंडर चला जाएगा इसका मोबाइल। अब हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं, तो आवर्स नहीं आएगा, केजी नहीं आएगा, मिनट नहीं आएगा, मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ सेट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया सेट, क्योंकि Realme 5 जो है एक मोबाइल है, और उसे हम सेट के रूप में ही खरीद सकते हैं। और यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिट ऑफ मेजर पहले क्यों बनाया और स्टॉक आइटम क्यों नहीं बनाया। तो यहाँ पे मैंने इसको यूनिट ऑफ मेजर बना लिया, एक्सेप्ट। इसके बाद दूसरा मैंने बना लिया यहाँ पे बासमती राइस, ठीक है, और यहाँ पे ये यह चला जाएगा फूड आइटम्स में, और यहाँ पर इसको खरीदेंगे हम किलोग्राम में यानी केजी में। तो यहाँ मैंने केजी ले लिया और यहाँ पे कर लिया इसको एक्सेप्ट, ठीक है। तो अगर यदि आपको देखना है कि आपने क्या क्या प्रोडक्ट बनाया हुआ है या क्या क्या इन्वेंट्री आपने तैयार कर लिया, तो ये रहेगी वो, इस तरह से आपको दिखाई देगी। तो इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट यही था। यदि आप अभी के ज़माने में, जो अभी का टाइम आ गया है, तो सारे जो बिल्स हैं वो बन रहे हैं किस पर, अभी नेम ऑफ आइटम पे, यानी कंप्यूटर पे बनाए जाते हैं। तो आप टैली के द्वारा बिल तैयार कर सकते हो, इसलिए आपको इन्वेंट्री की आवश्यकता होती है, और इन्वेंट्री के साथ काम करके आप आसानी से एंट्रियाँ कर सकते हो और अपना हिसाब किताब रख सकते हो। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।